हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हो इजी ट्यूटोरियल पॉइंट। तो आप लोग मुझे बहुत सारे क्वेरीज कर रहे हो, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हो, तो उस क्वेश्चन का आंसर मैं इस वीडियो में दूंगा। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि एग्जाम कब होगा, एडमिट कब निकलेगा। ओके, तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि एप्लीकेशन का डेट एक्सटेंड कर दिया है और उसके बाद जो करेक्शन डेट वो भी चेंज कर दिया है, 1 मई से 2 मई तक होगा। ओके, बट बात आते एडमिट एंड रिजल्ट के, सॉरी एग्जाम के ऊपर। तो देखो, हालांकि हम लोग जानते हैं कि 22 जून को एडमिट कार्ड निकलेगा जेलेट का। तो देखो, अगर 22 जून को एडमिट कार्ड निकलता है, अगर शायद निकलता है, तो जब आपको उस एडमिट कार्ड मिलेगा उसमें लिखा रहेगा आपका एग्जाम सेंटर कहाँ है, कब एग्जाम होना है, कब तक एग्जाम चलेगा, टाइम डेट सभी लिखा होगा। बट एक बार आप लोग सोचिए, अगर डिसीशन नहीं लेता तो एडमिट कार्ड कैसे निकलेगा। पहले डिसीशन लेगा इस टाइम में, इस डेट में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, तो उसके बाद ही तो एडमिट कार्ड निकलेगा ना। तो बेझिझक रहिए, जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पर हमेशा अपडेट रहिए। अगर नहीं रह पाते हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, हमेशा अपडेट आता है इस चैनल के थ्रू। ओके, कोई भी चैनल अपडेट मिस नहीं करोगे, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। एंड देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक एडमिट कार्ड नहीं निकलता तब तक एग्जाम तो नहीं होगा। ओके, तो मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि एडमिट कार्ड आने से पहले ही एक जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल चुका होगा, तो उस नोटिफिकेशन लिखा होगा कि एक्सटेंड करेगा या नहीं करेगा, एडमिट कार्ड उस डेट में निकलेगा या नहीं निकलेगा, सब कुछ उस नोटिफिकेशन में आई थिंक होगा, अगर चेंज करता है तो। देखो, लॉकडाउन पीरियड आई थिंक बनने वाला है, ठीक है, इतना काफी नहीं है, बनने वाला है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है आपके मन में, आप लोग मुझे पूछ रहे हो, तो वो देखो, आउट ऑफ वेस्ट बंगाल की जेयू के लिए एलिजिबल है, तो यस, आउट ऑफ वेस्ट बंगाल जेयू के एलिजिबल है। ओके, एंड जो आपके लिए बहुत, आप बोल रहे हो 12th के इनिशियली है, नहीं, 12th इनिशियली नहीं, आप लोग अगर 10th पास करके डिप्लोमा करके डिप्लोमा 60% रखते हो, तो देखो 99% लोगों 60% होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, एंड वो लोग जेई में एडमिशन ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है जेलेट के लिए, एलिजिबिलिटी कुछ भी नहीं, आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना पड़ेगा। एंड आउट ऑफ वेस्ट बंगाल को एक बेनिफिट मिलेगा, जो रिजर्व कैटेगरी होगा, रिजर्व कैटेगरी उन लोगों को मिल जाएगा, जैसे कि एससी एसटी ओबीसी ओबीसी बी पीडब्ल्यूडी की रिजर्व कैटेगरी होगा, वो वेस्ट बंगाल ऑफिशियल सर्टिफिकेट जो भी स्टूडेंट है वो उसको मिलेगा। एंड जो आउट ऑफ वेस्ट बंगाल स्टूडेंट है उसको जो रिजर्व कैटेगरी नहीं मिलेगा, जनरल के थ्रू एडमिशन होगा, तो बहुत ही कंपटीशन टफ होगा, क्योंकि जेयू के अंदर जनरल कैटेगरी बहुत ही कम होता है, आई थिंक 4 से 5 होता है, ठीक है। तो अगर सीएससी तो सीएस में तो 4 ही रहता है, ठीक है, और जो मैकेनिकल उसमें थोड़ा सा बढ़ सकता है, 4 ही रहता है सब कुछ में, 4 या 5 रहता है, ठीक है, जनरल में तो टफ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डोमिशनल सर्टिफिकेट को बहुत क्वेश्चन आ रहा है, तो डोमिशनल सर्टिफिकेट को मैं सेपरेट वीडियो आएगा, क्योंकि उसमें बहुत जरूरी चीज बताना है आपको, क्योंकि चेंज करा है कुछ कुछ डोमिशनल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट एंड जो भी सर्टिफिकेट है उसमें कुछ चेंज किया है, तो मैं उस सेपरेट वीडियो आएगा उसमें बोल दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, अलग अलग वीडियो मिल जाएगा। एंड उसके बाद आता है जो आप लोग पूछ रहे हो रैंक वर्सेस मार्क्स, देखो पूरा कंटेंट रेडी है, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, जस्ट वीडियो मेकिंग करना पड़ेगा, ठीक है, मैं वीडियो बना दूंगा, कोई प्रॉब्लम, अच्छे से पढ़ो, मैं ठीक टाइम में वीडियो भेज दूंगा, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों को सभी जो वीडियो मिल जाएगा। एडमिट से स्टार्ट करते करेक्शन डेट आ रहा है, एप्लीकेशन तो खत्म हो गया, करेक्शन डेट आएगा, एडमिट कार्ड आएगा, एग्जाम सेंटर, एग्जाम कब होगा, एग्जाम का क्या होगा, सब कुछ मैं बताऊंगा। एग्जाम के बाद जो आप लोग को क्वेश्चन शीट मिलेगा उसका आंसर भी मैं इस वीडियो में दूंगा, सबका आंसर, सबका जो भी क्वेश्चन 100 क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा, पूरा राइट आंसर दूंगा, आप लोग जाकर मिला सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद रैंक जब कैसे निकलता है, ब्रांच रैंक क्या होता है, जनरल रैंक क्या होता है, रिजर्व कैटेगरी रैंक क्या होता है, सब कुछ बताऊंगा। आपका जो रैंक आया है वो रैंक क्या एलिजिबल है गवर्नमेंट कॉलेज के एडमिशन लेने के लिए, वो भी बताऊंगा, सारा कुछ होता है। उसके बाद आता है काउंसलिंग, उसके बाद आता है एडमिशन, एडमिशन कैसे होगी, उसके बाद आता है प्राइवेट कॉलेज जिसको भी नहीं मिलता, कौन सा प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहिए, उसमें सेशन बन रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड आप लोग रिव्यू चाहते हो तो वो भी मैं दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड उसके बाद एडमिशन के बाद जो बीटेक में एडमिशन लोगे तो क्या क्या आपको प्रॉब्लम फेस करना होगा, क्या क्या क्राइटेरिया है, सब कुछ मैं इस वीडियो बताऊंगा। एंड बीटेक के बाद भी मैं साथ रहूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, जीडेट भी साइड है, बीटेक भी साइड है, एंड साथ साथ में गेट भी स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सारा कुछ वीडियो में बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम जल्दी नहीं, धीरे धीरे वीडियो आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ एक आपको काम करना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, क्योंकि आने वाला जो वीडियो होगा वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा, ठीक है, आप लोगों को बहुत ही हेल्प करेगा, तो हमारे चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करके रखना। तो आज के वीडियो में इतना ही, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।